नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइस फ्राई स्पेशल कुकिंग। अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे, हरी मिर्च, धनिया एसेंस और फली दाना भी डालेंगे, मैजिक मसाला और मिठाली पत्ती, काजू और नींबू भी डालेंगे, और सबसे पहले उसमें जीरा और आता है फिर अपन प्याज डालेंगे, पत्ता गोभी, आलू, टमाटर और लाल शिमला मिर्च। इस रेसिपी की खासियत यह है, इसको हम तेलाई में बनाएंगे, जो घर में काले कलर की तेलाई आती है ना, उसमें बनाया जाता है। इसमें टेस्ट आपको एकदम डिफरेंट पता चलेगा। और अभी हमारा कढ़ाई गर्म हो रहा है, उसके बाद हम लोग इसमें सरसों डालेंगे और फिर उसके बाद प्याज डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, धनिया डालेंगे और फिर फली, सब सामान यथावत डालते जाएंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा के बाद डालेंगे हम यहाँ मिर्ची डालेंगे। अब देखिए मिर्ची डल गया, अब मिर्ची भून रहा है हमारा। इसमें डालेंगे हम लोग नीम पत्ती, मीठा नीम पत्ती बोलते हैं इसको, नीम पत्ती हमारा डल गया है। अब इसमें डालेंगे अपन कोई आलू, हाँ उसके बाद डालेंगे इसमें हम लोग प्याज। ये हमारा प्याज जल गया, प्याज जब लाल हो जाएगा तो बाकी सामग्री को डाल के हमको आगे का कार्य करना है। इसके बाद डाल दिए उसमें आलू, अब थोड़ी देर आलू और प्याज को पकने देते हैं। इस रेसिपी का एक खास बात और है, हम ना बचे हुए चावलों से राइस फ्राई बनाएंगे। जो चावल हमारा अभी तैयार है, अब आलू को थोड़ी देर पकने देते हैं। आलू हल्का हल्का पक गया है, अब इसमें डालेंगे हम फली और उसके बाद डालेंगे शिमला मिर्च, अब फिर थोड़ा देर पकने देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें काजू और हमारे पास बचा है टमाटर और पत्ता गोभी। अब एक बार फिर ये सबको हम पकाएंगे। अभी से ही कितना सुंदर दिख रहा है हमारा डिश, आगे तो बोलिए मत। हाय फ्रेंड, अब हम लोग इसमें डालेंगे मैगी मसाला। मैगी मसाला के साथ अभी नमक डालना है, इसमें नमक स्वाद हिसाब से डालना है अपने। हमने चावल में भी थोड़ा नमक मिला दिया है, उससे क्या है मिक्स करने में उतना परेशानी नहीं होता। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा शक्कर, ये टेस्ट के डालना पड़ता है। हम इसमें सिर्फ दो बूंद ऐसे डालेंगे, ये बन जाएगा टेस्टी। हम लोग धनिया भी डाल रहे हैं इसमें, थोड़ा धनिया हम लोग चावल में भी डाल दिए हैं बनकर। यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है, आप अगर राइस फ्राई नहीं करना चाहते तो इसको सब्जी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम इसको राइस फ्राई बना रहे हैं, इसलिए इसमें राइस डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद बचा हुआ जो धनिया है उसको डाल देंगे इसमें। हमारा राइस फ्राई तैयार हो गया है, इसको थोड़ा सा पकाने के बाद इसको उतार देंगे।
हमारा राइस फ्राई तैयार हो गया, सर्व के लिए तैयार हो गया। अगर हमारा यह डिश आपको पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। वीडियो पहला है इसलिए हो सकता है आपको समझने में या मुझे समझाने में कहीं पर त्रुटि हो गई होगी, और बाकी के लिए धन्यवाद।